नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है प्रहार का। इस साल देश के कई हिस्सों में गणपति विसर्जन के दौरान बवाल मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक और राजस्थान में भी विसर्जन जुलूस पर पत्थर चले। अब सवाल यह है कि बप्पा की राह में पत्थरबाजी वाले प्रयोग के पीछे कौन लोग हैं, उनका मकसद क्या है। गणपति विसर्जन के जुलूस पर पत्थरबाजी की ताजा घटना महाराष्ट्र की भिवंडी में हुई। ठाणे की भिवंडी में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान पत्थर फेंके गए। पत्थरबाजी की इस घटना के बाद दो पक्षों के बीच जमकर बवाल हो गया। इस दौरान हाथापाई की भी तस्वीरें सामने आई। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लाठीचार्ज में कुछ लोगों को चोटें आई हैं और कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। ये चार तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये पथराव बंजर पट्टी नाका पर उस वक्त हुआ जब घुघट नगर से मूर्ति को विसर्जन के लिए कामवारी नदी की तरफ ले जाया जा रहा था। पत्थरबाजी की खबर लगते ही लोग घटना स्थल पर पहुंचने लगे। नारेबाजी होनी शुरू हो गई। दोनों पक्षों के लोग बंजर पट्टी नाका पर जमा हो गए। बताया जा रहा है कि एक युवक को भीड़ ने पकड़ लिया, उसकी पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। सबसे पहले बवाल के बाद जब पुलिस ने लाठी चार्ज किया, उस वक्त की कुछ तस्वीरें आपके सामने रख रहे हूँ। ये तस्वीरें भिवंडी के बंजार पट्टी नाका के हिंदुस्तानी मस्जिद के पास की है जहाँ पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। आप देख रहे हैं कि कैसे पुलिस वाले लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज का सहारा लेना पड़ा। ये तस्वीरें आप देखें, प्रदर्शनकारी अच्छी खासी संख्या में थे, दो गुट आमने सामने थे। नारेबाजी ज्यादा होने लगी, बाद पत्थरबाजी तक पहुंच गई और जब स्थिति हाथ से बाहर जाने लगी तब पुलिस ने यहां लाठी चार्ज करके लोगों को खदेड़ना शुरू किया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। अब पत्थरबाजी के ठीक बाद की तस्वीर आप देखिए। पत्थरबाजी के बाद हिंदुओं की गुस्साई भीड़ मौके पर पहुंच गई। भीड़ बहुत ज्यादा थी, दो पक्षों के बीच जमकर बवाल हुआ। भीड़ ने एक युवक की खूब पिटाई भी कर दी। बताया जा रहा है कि जिसकी पिटाई हुई है वो पत्थरबाजी की घटना में शामिल था। फिलहाल उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। ये देखिए कैसे सभी लोग मिलकर एक व्यक्ति को पीट रहे हैं। हिंदुस्तानी मस्जिद के पास ये पूरा बवाल शुरू हुआ। दरअसल गणपति विसर्जन के दौरान पूरा जुलूस निकल रहा था और जैसे ही हिंदुस्तानी मस्जिद के पास से ये जुलूस निकला, गणपति प्रतिमा के ऊपर पत्थरबाजी कर दी गई। और जैसे ही पत्थर चला तो इधर जो भीड़ में शामिल लोग थे वो भी भड़क उठे। सैकड़ों की तादाद में बप्पा के भक्त मौके पर पहुंच गए। हिंदू पक्ष के लोग मांग करने लगे कि जब तक ये सभी आरोपियों को पुलिस नहीं पकड़ लेती तब तक मूर्ति विसर्जन नहीं किया जाएगा। माहौल को बिगड़ता देख पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने लोगों को पहले तो खूब समझाया, लेकिन जब हिंदू अपनी मांग पर अड़े रहे इसके बाद पुलिस और भीड़ के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। भिवंडी में गणपति विसर्जन के जुलूस के दौरान पथराव की एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। कल रात करीब 12 बजे ये घटना घटी। मस्जिद के पास कुछ लोगों ने जुलूस पर पथराव करना शुरू किया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को अपनी हिरासत में लिया है, बाकी लोगों की पहचान की जा रही है। पुलिस का कहना यह है कि जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बप्पा के भक्तों पर शहर शहर जिस तरीके से पथराव की खबरें सामने आ रही हैं वो वाकई चिंताजनक है। भिवंडी के विसर्जन जुलूस पर हुई पत्थरबाजी को लेकर हिंदुओं में बहुत नाराजगी है। हिंदू संगठन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। कल जहां पत्थरबाजी हुई वहां पर अभी क्या माहौल है, भिवंडी से इंडिया टीवी संवाददाता साकेत की रिपोर्ट देखिए। कल गणेश विसर्जन के दौरान मुंबई से सटे भिवंडी इलाके के बंजार पट्टी में पथराव की घटना सामने आई है। कुछ लोगों का ये आरोप है, खास तौर पर हनुमान मित्र मंडल जिसकी गणपति थी, उनका ये कहना है कि कुछ अराजक तत्वों की तरफ से गणपति के ऊपर पत्थर फेंके गए। इसी पंडाल के जो अध्यक्ष हैं शनि इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या हुआ था कल। कल 12 बजे पे डीजे बंद हुआ, उसके बाद हम लोग गए तो वहाँ से 3 पत्थर से आया। एक तो बैकग्राउंड पे लगा,
बैकग्राउंड पे लग के डायरेक्ट उस पर बॉल था ना, उस बॉल उस पर लगा, फिर दूसरा पत्थर बैकग्राउंड पे लग के मेरा बाजू में फ्रेंड उसके हाथ पे लगा, और तीसरा पत्थर ना गणपति के हाथ पे लग के साइड से निकल गया। किन लोगों द्वारा किया गया था पथराव? ये उधर पे बैठे थे सब चाय पीते टपरी लोग थे, उन्होंने पथराव किया था। क्या मूर्ति भी खंडित हुई थी उस दौरान? खंडित नहीं हुई, पत्थर मतलब ऐसे टच होके निकला है मूर्ति पे। सर आपसे जानना चाहेंगे कि कल क्या हुआ था और किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ? भैया दरअसल बात ऐसा है कि भिवंडी में पिछले 6 दिन से यानी गणेश उत्सव के दरमियान 5वें दिन की गणपति विसर्जन हुई थी, उसमें भी पत्थर और चप्पल फेंके गए थे, जिसका FIR शांतिनगर पुलिस स्टेशन में है, मगर उनको आरोपी नहीं मिला। उसके बाद में पद्मा नगर में एक व्यवसाय करने वाला 300 मूर्ति लाया था, जिसकी 66 मूर्ति बच गई थी, बाकी सब बिक गया था। उस मूर्ति में 62 मूर्तियाँ तोड़ी गई, उसका भी FIR है, मगर आरोपी नहीं मिला। उसके बाद कल भिवंडी शहर में सिर्फ श्री हनुमान मित्र मंडल के साथ में ये दुर्भाग्य नहीं हुआ कि गणेश जी के ऊपर, ऐसे और 3 मंडल थे। गायत्री नगर में एक फातिमा नगर करके कंपाउंड है, वहाँ पर भी मैं आपको वीडियो भेजा हूँ, लाइव भेजा हूँ, वो भी शांति नगर क्षेत्र में आता है, FIR होता है लेकिन आरोपी नहीं मिलता है। ये हमारा जो आया है श्री हनुमान मित्र मंडल का वंजरपट्टी पे हुआ है, वो निजामपुरा क्षेत्र में आया है, FIR होगा लेकिन आरोपी नहीं मिलेंगे। कल ईदगाह रोड पे हुआ है जो भूरवाड़ा के हाथ में आता है, यानी भिवंडी में 6 पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे भी FIR होगा लेकिन आरोपी नहीं मिलेंगे। तो आरोपी मिलते क्यों नहीं है वो समझ में नहीं आता है। और उसके बाद में जब हम लोगों ने सिर्फ यही मांग किया था कि ये जो 5 घटना हो चुकी है भिवंडी शहर में, अब उनके आरोपियों को पकड़ो। भिवंडी से साकेत राय हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। साकेत, देखिए ये जो हिंदू संगठन के लोग मांग कर रहे हैं वो जायज मांग है कि आखिर पथराव करने वाले कौन है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने खुद ने जिस तरीके का हंगामा करना शुरू कर दिया, बवाल काटना शुरू कर दिया, क्या ये तरीका भी ठीक था? देखिए इस वक्त जिस बंजार पट्टी पे ये पूरा घटनाक्रम हुआ हम वहीं मौजूद हैं। एक पक्ष का कहना है कि उनके ऊपर पथराव किया गया, वहीं दूसरा पक्ष भी एक अपनी तरफ से एक अलग दावे कर रहा है। हालांकि पुलिस फिलहाल इस मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है, आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दूसरे पक्ष को सामने रखने के लिए हमारे साथ एक्स मेयर हैं इस शहर के। सर अपना नाम बताइए। इमरान वली मोहम्मद खान, एक्स डिप्टी मेयर। ये बताइए ये जो आरोप लग रहे हैं कि कल पथराव हुआ था, इस जो लोकेशन पर हम मौजूद हैं यहीं से पथराव किया गया, गणपति के ऊपर पथराव हुआ था, क्या कहेंगे? देखिए कल जो इंसिडेंट भी हुआ, हम यहाँ पर थे नहीं, लेकिन जो लोग सुनते हैं कि कुछ मामला यहाँ पर हुए थे, वो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि त्यौहार जो है हमारा जो ईद मिलादुन नबी जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए रास्ते पर चलने का त्यौहार है। हमने ये त्यौहार जो है 2 दिन आगे किया कि शहर में और पूरे महाराष्ट्र में अमन और शांति रहना चाहिए। तो चंद जो लोग होते हैं, चाहे कोई भी समाज में हो, चाहे हिंदू समाज में हो कि मुस्लिम समाज में हो, जिन लोगों ने यह भी घटना की है, शुरुआत जिसने भी की है, वो गलत तरीके से की है और गलत मामला शहर का माहौल बिगाड़ने के लिए की है, ऐसे लोगों के ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई होना चाहिए। हाँ चाचा, आप नाम बताइए। लतीफ मामा, भिवंडी पटेल नगर। कल आप मौजूद थे यहाँ पर? नहीं, मौजूद नहीं था, लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम हो रहा है, आज ईद का भी मौका है, यहाँ पे जुलूस। अब उम्मीद यही की जा रही है साकेत, इस मामले में पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई करे, जिसकी गलती है उसे सलाखों के पीछे करे। भिवंडी की घटना पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बयान दिया। गिरिराज सिंह ने कहा है, जहाँ जहाँ मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है वहाँ हिंदुओं के धार्मिक जुलूस पर पत्थरबाजी हो रही है। बप्पा के जुलूस पर हो रही पत्थरबाजी को लेकर गिरिराज सिंह ने इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग वोट के लिए देश की अस्मिता को खतरे में डाल रहे हैं। आज गणेश विसर्जन में कल भिवंडी हो या बुलडाना हो, जहां जहां मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती है वहां तो वो पत्थर चलाते हैं, लेकिन बंटवारे के बाद 1947 के बाद आज तक हिंदुओं ने उनके तजिया पर कभी पत्थर नहीं फेंका। इसका मतलब हम कमजोर नहीं हैं। आज देश के अंदर जहां जहां जनसंख्या मुसलमानों की बढ़ गई है वहां वहां बुलडाना और भिवंडी बना हुआ है। ऐसे अवसर पर किनकी जुबान बंद होती है? हेमंत सोरेन की, राहुल गांधी की, अखिलेश यादव का, लालू यादव का, तेजस्वी यादव का, ममता बनर्जी का,
ये टुकड़े टुकड़े गैंग वोट के खातिर भारत की अस्मिता को खतरे में डाल रहे हैं। ये इनकी जुबान बंद हो रही है। अगर हिंदुओं के मूर्तियों के विसर्जन पर हो रहा है इसका पत्थलबाजी, इसका मतलब भारत माता पर पत्थलबाजी। और आइए बात करते हैं राजधानी दिल्ली से आ रही बड़ी खबर की। दिल्ली के करोल बाग में बपा नगर में एक इमारत अचानक से भरभराकर गिर गई है। इमारत के मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। हादसे की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। राहत कार्य में जुटी एजेंसियों ने अब तक 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। बताया जा रहा है कि अभी मलबे में कई लोगों के दबे होने की संभावना है। छोटी गलियां होने की वजह से रेस्क्यू में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक इस मकान में किराएदार रहते थे जो ज्यादातर दूसरे राज्य से यहां आए थे। दिल्ली के करोलबाग इलाके के बापा नगर में एक 4 मंजिला घर जो है वो गिर गया, जिसके मलबे में तकरीबन 6 लोगों के दबे होने की आशंका है। हालांकि कुछ लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, कुछ लोग जो दबे हुए थे उन्हें निकाला गया है। हालांकि उनकी कंडीशन क्या है अभी तक साफ नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ लोग दबे हुए हैं। आपको हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये आप ये देखें कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, दिल्ली पुलिस, एनडीआरएफ और साथ में दमकल विभाग के द्वारा। और आप देखें कि एक शख्स को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम लोग लोकल लोग भी जो है इस ऑपरेशन में शामिल हैं ताकि जल्द से जल्द जो है मलबा हटाकर जो दबे हुए लोग हैं उन्हें निकाला जा सके। क्योंकि कंजेस्टेड इलाका है, सकरी गलियां हैं, यहां पर तंग गलियां हैं पूरा, जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें भी आ रही हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही है जिसके चलते भी जो रेस्क्यू टीम है उन्हें दिक्कतें हो रही हैं। फिलहाल ये दिल्ली का करोलबाग इलाका है और जो तमाम जो एनडीआरएफ, दमकल विभाग और दिल्ली पुलिस की टीमें हैं वो अपने इक्विपमेंट तक जो है स्पॉट तक लाने में उन्हें खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं कि एक शख्स आपको जो है मलबे में दबा हुआ दिखाई दे रहा होगा, उसका सर जो है एनडीआरएफ के एक कर्मी ने जो है पकड़ा हुआ है ताकि किसी तरह से उसको चोट ना लगे। फिलहाल वो जिंदा है या उसकी जान जा चुकी है ये अभी तस्वीर साफ नहीं है, क्योंकि अभी वो बेहोशी की हालत में है। इससे पहले भी जो है इसी तरह से रेस्क्यू करके कुछ लोगों को यहां से निकाला है। फिलहाल सुबह 9:10 पर जो है दमकल विभाग को ये पूरी जानकारी मिली थी बिल्डिंग कोलैप्स होने की, घर कोलैप्स होने की, जिसके बाद टीमें मौके पर पहुंची। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने में खासी मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि तंग गलियां हैं, बहुत कंजेस्टेड इलाका है। ये इस अंदाजा लगा लीजिए कि अगर 2 शख्स जो है आमने सामने से आ जाए तो एक शख्स को साइड देनी पड़ेगी, यानी कि 2 शख्स जो है आमने सामने से एक साथ नहीं निकल सकते। फिलहाल आप देखें कि बड़ी बड़ी जो ईंटें हैं, जो टाइलें हैं उन्हें हटाया जा रहा है और एक शख्स अभी भी आपको मलबे में दबा हुआ दिखाई दे रहा होगा। अब बात अरविंद केजरीवाल की। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद से एक के बाद एक और दांव चलने शुरू हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल ने उनको मिलने वाली सारी सरकारी सुविधाएं छोड़ने का ऐलान कर दिया है। कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए पूरी डिटेल दी। संजय सिंह ने कहा कि कुछ ही हफ्तों में अरविंद केजरीवाल अपना घर भी खाली कर देंगे, मुख्यमंत्री के तौर पर मिलने वाली सारी सरकारी सुविधाओं को नहीं लेंगे। संजय सिंह ने कहा कि पार्टी की सीनियर लीडर चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल अपना घर ना छोड़े, उनकी सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है और कई बार पहले भी अरविंद केजरीवाल को टारगेट किया जा चुका है। कल जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो पहली बात उन्होंने की कि अब हम ये सारी सुविधाएं छोड़ देंगे, मुख्यमंत्री को मिलने वाली सारी सुविधाएं छोड़ देंगे। बाकी नेताओं की हालत हम जानते हैं, अगर कभी किसी पद पे पहुंच गए, कोई सुविधा मिल गई तो उसको नहीं छोड़ने के लिए सालों साल लड़ाई लड़ते हैं, घर से मकान से चिपके रहते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने फैसला किया है कि वो, उन्होंने कहा हम अपना मकान खाली करेंगे, हम अपना घर खाली करेंगे, एक हफ्ते के अंदर हम अपना घर खाली करेंगे, उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल है, एक नहीं कई बार उनके ऊपर हमले हुए। हमने उनसे कहा, समझाने की कोशिश की,
कि आपकी सुरक्षा को खतरा है, कई बार आप पे हमला हो चुका है, मां बाप घर में थे उस वक्त भी उनके घर पे हमला हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमला किया है, कई बार उनको शारीरिक नुकसान पहुंचाया गया, कहीं कालिक फेंकी गई, कहीं हमला किया गया, चोट पहुंचाई गई, ये सारा कुछ हुआ अरविंद केजरीवाल के साथ। तय किया कि हमारी रक्षा भगवान करेगा, ईश्वर करेगा, मैं 6 महीने जेल में रहा, खूंखार अपराधियों के बीच में रहा, लेकिन बावजूद इसके ईश्वर ने मेरी रक्षा की, ईश्वर ही मेरी रक्षा करेगा, मुझे घर की कोई चिंता नहीं। अब आपको लिए चलती हूं जम्मू कश्मीर, जहां विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बंपर वोटिंग हो रही है। अभी तक 24 सीटों पर करीब 30% मतदान हो चुका है। चाहे जम्मू रीजन की 8 सीटें हों या कश्मीर रीजन की 16 सीट, सभी जगह सुबह से वोटर्स की लंबी कतारें हैं। किसी भी जगह अभी तक किसी अप्रिय वारदात की कोई जानकारी नहीं आई है। इसका मतलब बड़ी शांति के साथ ये इलेक्शन, ये वोटिंग संपन्न हो रहे हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में लोगों ने जमकर मतदान किया। फिर चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले, वो लोगों के बदले हुए मूड को दिखाने के लिए काफी था। लेकिन आज जिस तरह लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, वो कश्मीर में अमन और चैन के दुश्मनों की नींद उड़ा सकता है। जम्मू के 3 जिले रामबन, डोडा और किश्तवाड़ के अलावा कश्मीर रीजन के अनंतनाग, पुलवामा, शोपिया या कुलगाम जिलों में भारी वोटिंग हो रही है। अभी तक पुलवामा सीट पर 25% तो इंद्रवाल सीट पर 40% वोटिंग हो चुकी है। हमारे साथ संवाददाता मंसूर मीर जुड़ चुके हैं, अनंतनाग में आप मौजूद हैं। मंसूर, इस वक्त वोटिंग परसेंटेज अनंतनाग की ही बात करें तो कैसा है, और ऑल ओवर कश्मीर और जम्मू में किस तरीके के वोटिंग परसेंटेज दिखाई दे रहे हैं? देखिए मीनाक्षी, वोटिंग परसेंटेज की बात करेंगे तो 26% से ज़्यादा वोटिंग जो है अब तक रिकॉर्ड की जा चुकी है। पहले चरण के मतदान में निसंदेह ही लोगों में काफ़ी उत्साह और जोश जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हम जिस जगह पर इस वक्त खड़े हैं, ये इस्लामिया हाई स्कूल है और यहाँ पर महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती जो है वो अपना वोट जो है कास्ट करने के लिए थोड़ी देर के बाद पहुँच जाएंगी। अगर हम इस पोलिंग बूथ की बात करें तो करीबन सभी वोट जो है इस पर तक कास्ट हो चुके हैं। अब इक्का दुक्का लोग ही जो है यहाँ पर अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुँच रहे हैं। सुबह से ही यहाँ पर लंबी कतारों में लोग खड़े थे और अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुँच रहे थे। दरअसल जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद ये विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लोगों को बड़ी उम्मीद है इस चुनाव से और बड़ी बेसब्री से लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद हालात जो है कश्मीर में काफ़ी बेहतर लोगों को दिख रहे हैं और इसकी चर्चा जो है बाकी राजनीतिक दल भी करते थे कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव होने चाहिए, और जब चुनाव हुए हैं तो चुनावों की तस्वीर जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है कि किस तरह से लोग इन चुनावों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल मंसूर, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। इधर जम्मू में रह रहे कश्मीरी पंडितों के लिए भी विशेष मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वोटिंग के बाद कश्मीरी पंडितों ने उम्मीद जताई है कि वो जल्द ही कश्मीर घाटी में अपने घरों में लौटने में कामयाब हो पाएंगे। इन मुद्दों में वोट करते हैं कि घर वापसी हो गए, 34 साल हो गए हम दर दर की ठोकरी खाते हुए। जो भी सरकार बनेगी हम उनको आशा करते हैं कि वो हमारी बात रखेंगे, इसलिए वोट कर रहे हैं सारे। मुद्दा हमारा यही है एक कि हम कैसे फिर वापस कश्मीर जाएंगे और उसी तरह रहेंगे। भाई जैसे भाई मुसलमान भाई थे हमारे, हिंदू भाई थे, सिख भाई थे, आपस में प्यार मोहब्बत था, उसी प्यार मोहब्बत के साथ हम रहना चाहते हैं, मगर उसमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं जो हमें तितर बितर करते हैं, किसी को एक जमात में डालते हैं, किसी को दूसरी जमात में डालते हैं, किसी को तीसरी जमात, वो हम करना नहीं चाहते हैं। हम जब जाएंगे एक झुंड में जाएंगे। वोट बेसिकली हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हमें डालना चाहिए। और बेसिक मुद्दे ये है कि जो यूथ्स है, मेन यूथ्स के लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और यूथ्स को जॉब्स देनी चाहिए, क्योंकि आज तक जो भी गवर्नमेंट आई है आप देखा है कि कुछ खास उन्होंने किया नहीं है। तो हमें सिर्फ बीजेपी से उम्मीद है काफ़ी ज़्यादा इस बार इलेक्शन में, हमें उम्मीद है कि बीजेपी हमारी उम्मीदों पे खरा उतरेगी। सर, मैंने सबसे पहला तो एम्प्लॉयमेंट को देख के ही किया है, क्योंकि J&K में स्पेशली जगती के जो यूथ है, कश्मीरी पंडित यूथ है, उनको जॉब्स की बहुत दिक्कतें आ रही है। PM पैकेज हमारे निकल रहे हैं बट वो उनमें भी कोई स्पेशली वो वेटिंग लिस्ट में ज़्यादा चले जाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती है। मेजर अभी जो मैंने देखा है एम्प्लॉयमेंट के लिए देखा है,
उसमें अगर हम जिनको हम जिसने मतलब जिनको हमने वोट दिया है उनके लिए अगर वो हमें हमारे लिए अच्छे से काम करे तो हमारे लिए भी बेनिफिट है, उनके लिए भी, हम भी चाहेंगे कि वो अच्छे से काम करे।